हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेकिंग इनफेरेंसेस इन्फरेंसेस मींस अनुमान लगाना या निष्कर्ष निकालना यू मेक एन इन्फरेंस व्हेन यू यूज क्लूज फ्रॉम द स्टोरी टू फिगर आउट समथिंग इन द ऑथर डजेंट टेल यू जो ऑथर हमें डायरेक्टली uh, नहीं कहता है वो किसी फिगर के माध्यम से हम समझ जाते हैं उसी को ही इंफ्रेंस कहते हैं रीड वट इज़ गिवन टू यू एंड बिकम द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द रेस्ट जो हम पढ़ते हैं उसके अलावा हम जो कुछ अनुमान लगाते हैं जिसको हम सर्च करते हैं उसी पढ़े हुए के अकॉर्डिंग uh, तो उसे भी हम इंफ्रेंस कहते हैं रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स लाइंस के बीच में रीड करना अब हम इसको और भी अच्छे से क्लियर करते हैं इन्फरेंस मेकिंग एन इन्फेयरेंस कैन बी थॉट ऑफ एज रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ व्हाट यू रीड और ऑब्जर्व कि जो लाइंस के बीच में हमने पढ़ा उसमें क्या था और हमने क्या उसे समझा और क्या अनुमान लगाया देखिए यहाँ पर क्लूज इन द बुक बुक में क्या क्लू दिया गया है और हमारा अपना अनुभव क्या होता है उससे हम एक इन्फेरेंस बनाते हैं अपना अनुमान बनाते हैं अपना निष्कर्ष निकालते हैं इन्फेरेंस आप देखिए इसको अच्छे से हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी uh, करते हैं अ कंक्लूजन रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग जब हम कोई निष्कर्ष किसी uh, प्रमाण के द्वारा या तर्क के द्वारा निकालते हैं तो उसे इन्फेरेंस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आई इन्फ़र दैट देयर इज़ अ घोस्ट इन माई हाउस मैंने ये इन्फर किया अनुमान लगाया कि मेरे घर में भूत है बेस्ड ऑन द एविडेंस दैट आई हैव सीन ऑब्जेक्ट्स मूविंग ऑन देअर ओन मैंने देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स मेरे घर के अंदर सामान थे वो अपने आप ही आ, हिल रहे थे इस तरह से मैंने उनके हिलने से अनुमान लगाया कि इस घर में कोई भूत है अ कंक्लूजन रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग फॉर एक्जाम्पल इफ़ माई बेस्ट फ्रेंड स्टॉप्स टॉकिंग टू मी आई कैन इन्फर दैट ही इज़ एंग्री एट मी अगर मेरा दोस्त मुझसे बातें नहीं कर रहा है तो मुझे लग मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि वो मुझसे गुस्सा है और ही थिंग्स आई एम क्रेजी एंड डजेंट वॉन्ट टू बी सीन विद मी और उसे ऐसा लगता है कि मैं उसे अपने साथ पसंद नहीं करता हूँ What is an inference? An inference is an assumption that you make about something that you see, read or experience. तो so, inference वो एक assumption, एक अभिहारना है जो हम बनाते हैं किसी चीज को देखकर, पढ़कर या अनुभव लेकर। It is based on all of the information that you have available at that time. तो so, ये उस सूचना के ऊपर या फिर जानकारी के ऊपर निर्भर करता है जो हमारे को उस समय मिलती है जब हम अनुमान लगाते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरली अ करेक्ट गैस बट इट इज़ एन एजुकेटेड वन ज़रूरी नहीं है कि ये करेक्ट ही हो जो हम गैस कर रहे हैं ये सही नहीं भी हो सकता है पर ज़्यादातर में जब हम इन्फरेंस करते हैं अनुमान लगाते हैं तो वो सही होता है इन्फ्रेंस में देखिए मेकिंग कनेक्शंस बैकग्राउंड नॉलेज प्रडिक्शंस इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट इंटरप्रेसन जजमेंट ड्राइंग कंक्ल्यूजनस क्वेश्चनिंग तो हम पहले तो लिंक क्रिएट करते हैं कनेक्शन क्रिएट करते हैं जो कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं जिससे हमें ज्ञान मिलता है और हम उस ज्ञान को देखकर अनुमान लगाते हैं और अनुमान के द्वारा हम इमेजिनेशन करते हैं जैसे ऑब्जेक्ट्स हिल रहे हैं हमने अनुमान लगाया कि भूत है भूत है तो हम इमेजिन करने लग जाते हैं कि क्या होगा ये क्या करेगा तो फिर उसको एनालाइज करके हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और लास्ट में फिर क्वेश्चनिंग आती है के इस पूरे स्ट्रक्चर में वर्ड क्लूज एक्सपीरियंस मेक्स इन्फरेंस द ऑथर सेट वट आई नो माई इंफ्रेंस ऑथर ने क्या कहा मैंने क्या जाना इससे मेरा अनुमान बनता है या मैं निष्कर्ष निकालता हूँ हर किसी के साथ ये ऐसा होता है द वेदर हैड बीन स्क्रॉचिंग फॉर वीक्स समर इज़ द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर इट इज़ समर हमने अनुमान लगाया कि इससे ये समर है एवरी डे इन्फेरेंसेज हेयर आर सम इन्फेरेंसेज दैट यू प्रोबेबली मेक ऑन ए Daily basis. If your professor writes information on the board during a lecture, you, you infer that it is important information that you may need later. If your son or daughter runs in the house holding their knee and crying, you infer that they have somehow hurt their knee. Okay. कि उनके घुटने में चोट लगी है हम ये अनुमान लगाते हैं यू मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट इन योर इन्फेरेंसेज तो देखिए यहाँ पर वही बात है कि हम हमेशा करेक्ट नहीं हो सकते अपने अनुमान लगाने में बट दे आर अजम्पन्स दैट यू मेक बेस्ड ऑन द गिवन क्लूज पर ये अजम्प्शन्स होती है अवधारणाएँ होती है या हमारे अनुमान होते हैं निष्कर्ष होते हैं जो हम हमें जो क्लूज़ मिलते हैं जो आ, हमें एक्सपीरियंस मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम ये करते हैं इन्फेरेंसिस टेक अ गैस यू ऑलरेडी नो हाउ टू मेक एवरी डे इन्फेरेंसिस लेट्स लुक एट अ फ्यू सीनोरियज एंड इन्फर अबाउट वाट इज गोइंग ऑन तो हम अपने आसपास कई चीज़ों को देख सकते हैं जिससे हम गैस करके अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या होने वाला है तो अपने एवरीडे के लाइफ में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे अगर बादल आ रहे हैं आसमान में तो हम अनुमान लगाते हैं कि शायद बारिश हो रही है या बारिश होने वाली है इस तरह से अगर कोई हॉर्न बज रहा है तो इट मीनस गाड़ी आ रही है इन्फेरेंसिस टेक अ अगेस देखिए यहाँ पर एक पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि वट इज़ दिस वमेन डूइंग ये यहाँ पर जो एक वुमेन का पिक्चर दिया गया है इसमें ये वुमेन क्या कर रही है वेयर डू यू थिंक दिस वुमेन इज़ आपको क्या लगता है कि ये वुमेन कहाँ है इस चीज देयर फॉर वर्क और प्लेजर क्या ये यहाँ पर खुशी के लिए है या आनंद के लिए या मनोरंजन के लिए है या फिर ये अपने काम के लिए यहाँ पर बैठी है तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं इस पिक्चर को देखकर। कर Inferences, तो देखिए अब हम क्या अनुमान लगा सकते हैं टेक अ गैस लेट्स लुक एट अलिट वेयर डू यू थिंक दिस वुमेन इज कहाँ पर है ये तो देखिए बेस्ड ऑन फर्नीचर एंड डेकोरेशन शी इज़ प्रोबेबली इन आ होटल रूम तो ये होटल रूम के अंदर हमें लग रहा है कि जिस तरह से ये रूम का डेकोरेशन है रूम का फर्नीचर है वट इज़ शी डूइंग तो इसका आंसर देखिए आप भी अनुमान लगा सकते हैं शी इज़ ऑन द टेलीफोन ये टेलीफोन पर बातें कर रही है इज शी देर फॉर वर्क और प्लेजर बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द हर क्लोदिंग एंड प्रेजेंस ऑफ फैक्स मशीन शी इज प्रोबेबली देर फॉर वर्क तो यहाँ पर फैक्स मशीन रखी गई है तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये यह यहाँ पर अपने किसी काम के लिए ही आए हैं तो देखिए आपको अभी मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो चुका है कि इन्फेरेंसिस क्या होता है एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इन्फेरेंसिस इट मीन्स अनुमान लगाना बेस्ड ऑन सिचुएशंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन क्लूज तो जो भी हम पढ़ते हैं जो भी पिक्चर्स हमें दिखाई जाती है जो भी कंडीशंस दिखाई जाती है उससे हम अनुमान लगाते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं कि आगे क्या होने वाला है दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक थैंक यू